हाय, दिस इज मनीषा सिंह, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब की अपडेट, जो कि डायरेक्ट निकल के आ रहा है झारखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के लिए। फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहने वाला है और बहुत सारे कैंडिडेट्स ना इस वैकेंसी के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। क्योंकि आज की इस वीडियो में ना कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि आपका झारखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ फ्रेंड्स एग्जाम की पैटर्न, फिजिकल क्राइटेरिया, इनिशियल इन हैंड सैलरी, सारा कुछ आपको डिटेल में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी इस जॉब वैकेंसी की वेट कर रहे हो तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय को बर्बाद करते हुए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि टोटल पोस्ट क्या रहने वाला है। जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ देख पा रहे होंगे, टोटल सीट्स आपका 13,000 प्लस सीट्स के लिए ये वैकेंसी आने वाली है। फॉर्म की फी की अगर बात करें तो जनरल, ओबीसी एंड अदर स्टेट कैंडिडेट से यहाँ पे 300 रुपीज चार्जेस लिए जाएंगे। एससी एसटी वालों से मात्र 75 रुपीज का आपको फॉर्म फी रहने वाला है। एज लिमिट अगर आप बात करो तो मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम आपका 30 इयर्स का एज लिमिट यहाँ पे रखा जाता है। रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, ओबीसी को 2 इयर्स का, एससी एसटी को 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, रही बात आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10th पास हो ना, सिंपली अगर 10th पास आउट हो इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी से, चाहे आपका कोई सा भी परसेंटेज है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस वाले हो, आप सब अप्लाई कर सकते हो। तो चलो आगे आपको बता देती हूँ कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो आपका सिलेक्शन जो है फ्रेंड्स, 3 मेजर स्टेज पे आपका डिपेंडेबल रहने वाला है। फर्स्ट आपका होता है फिजिकल टेस्ट, देन होता है आपका मेडिकल, उसके बाद रिटन एग्जाम होता है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले आपका पीएसटी होता है, यानी कि यहाँ पे आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट की मेजरमेंट होती है। तो मेल कैंडिडेट्स में जनरल और ओबीसी का जो मिनिमम हाइट रिक्वायर्ड है 160 सेंटीमीटर है, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फीमेल्स के लिए आपका 148 सेंटीमीटर का हाइट रिक्वायर्ड रहेगा। देन फ्रेंड्स, चेस्ट की मेजरमेंट होती है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए होता है, आपको 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन चाहिए होता है। तो आओ हम लोग देख लेते हैं कि जनरल वालों का क्या है, एससी एसटी के लिए क्या चेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जनरल ओबीसी का 81 to 86 सेंटीमीटर रहना चाहिए, एससी एसटी का 79 to 84। सिंपली फ्रेंड्स, मतलब ये तो आप समझ लिए, और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। तो आओ अब हम लोग देख लेते हैं पीटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपको क्या रनिंग वगैरह रखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो रनिंग का डिमांड है फ्रेंड्स, मेल कैंडिडेट्स को 10 किलोमीटर का रनिंग रहेगा 60 मिनट, यानी कि आपको 1 घंटे में 10 किलोमीटर का रनिंग कंप्लीट करना है। फीमेल्स के लिए ये रनिंग 5 किलोमीटर का है 40 मिनट्स में। तो आपने फिजिकल तो समझ लिया, जब फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे ना, तब जाके आपका रिटन पेपर होता है। तो रिटन पेपर आपका 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। तो एक ही दिन में होता है, ऑफलाइन होता है आपको, ओएमआर बेस्ड, पेन एंड पेपर बेस्ड। तो आइए एक्सप्लेन कर दूँ कितने कितने मार्क्स का होगा, क्या सब उसके लिए आपका रहने वाला है, सारा कुछ बता देती हूँ अभी आपको। देखिए फ्रेंड्स, जैसा आप देख पा रहे होंगे, पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। इसमें आपका जो लैंग्वेज बेस्ड मेनली होता है ना, वो पूछा जाता है। जैसे देख सकते हैं, हिंदी का 80 क्वेश्चन 240 मार्क्स के लिए, इंग्लिश का 40 क्वेश्चन आपका 120 मार्क्स के लिए, मतलब कि एक क्वेश्चन पे आपको 3 नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है। टोटल क्वेश्चन हो गए आपके 120 और 360 मार्क्स का आपका ये पेपर होता है। 2 आवर्स में कंडक्ट कराया जाता है और कोई सा भी यहाँ पे निगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा। पेपर 2 भी आपका होता है लैंग्वेज बेस्ड। इसमें आपका क्या होता है कि हिंदी, इंग्लिश, चाहे आप
रीजनल लैंग्वेज जैसे कि संथाली, बहुत सारे होते हैं ना आदिवासियों के लैंग्वेज, जो झारखंड में मेनली बहुत सारे लोग आदिवासी, तो वो भी आप चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप हिंदी चाहो तो सिर्फ हिंदी चूज कर सकते हो, इंग्लिश तो सिर्फ इंग्लिश का आपका पेपर होगा। पेपर टू के बाद फ्रेंड्स होता है आपका पेपर थ्री। तो पेपर थ्री में आपका 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका साइंस का रहता है 20 क्वेश्चन, जीके का 40 क्वेश्चन, झारखंड स्पेशल जीके 50 क्वेश्चन, मैथ्स के रहते हैं आपको 10 क्वेश्चन, ओवरऑल 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स के लिए, मतलब पर क्वेश्चन 3 मार्क्स मिल रहे हैं। ये पेपर भी आपका 2 आवर्स का होता है एंड यहाँ पे निगेटिव मार्किंग इस वाले पेपर में होता है आपका 1/3 का निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आएगा। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरिट लिस्ट जो आपका प्रिपेयर होने वाला है वो आपका पेपर 2 और 3 के मार्क्स के बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट में बनने वाला है। सो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होने वाला है। तो मतलब अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सबसे पहले बात की एक्सपेक्टेड डेट क्या रखे, बहुत काफी टाइम से हो रहा है कि आएगा वैकेंसी आएगी बट कब आएगी। तो आप निश्चिंत हो जाओ, आपको सितंबर लास्ट टू आपका अक्टूबर 2023 में ये फॉर्म हम सभी के बीच ना 110% आ ही जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैं जॉब ज्वाइन कर लूँगा तो जॉब की लोकेशन क्या रहेगी। तो ऑब्वियस ही बात है कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है तो आपका जो है लोकेशन झारखंड रहने वाला है। एग्जाम सेंटर्स भी आपको झारखंड में ही देखने को मिल जाएंगे। एंड ठीक है, अभी आपके मन में चल रहा होगा कि मैम जल्दी से मुझे इनिशियल इन हैंड सैलरी बता दो, तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। आपका जो ज्वाइनिंग होता है उसमें आपको लेवल 3 का सैलरी दिया जाता है, 21,700 से स्टार्टिंग होती है। अच्छा खासा इंक्रीमेंट होता है पर ईयर, बहुत सारे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आपका 69,100 आपका सैलरी हो जाता है, सैलरी भी अच्छा खासा है, सारा कुछ, सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाला है। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड हो तो अपनी तैयारी की स्पीड को ना बूस्ट कर लो आप, क्योंकि ये फॉर्म बहुत जल्द आ जाएगा। तो आपकी तैयारी अभी से अच्छी रहेगी तभी तो आप उस टाइम पे एग्जाम एक ही बार में क्रैक कर पाओ, क्योंकि कोई सा भी फॉर्म आता है ना तो 1 मंथ 2 आपका 2 मंथ के अंडर इसका एग्जाम हो जाता है। तो उस टाइम तो आपको प्रिपरेशन की अच्छी तैयारी मिलती नहीं है, इसलिए नोटिफिकेशन आते ही मैं बना के आप सभी को इन्फॉर्म कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स आई होप कि मैंने आपको जो भी डिटेल बताए हैं झारखंड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत है ना फ्रेंड्स, तो आप कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। और जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे आज मैंने बोर्ड पे ना फर्स्ट डे आपको जो है एक्सप्लेन किया है, तो अगर इसमें कोई दिक्कत आ गई हो फ्रेंड्स तो सॉरी, मैं कोशिश करूंगी कि धीरे धीरे इसको अच्छे से मैं बोर्ड पे लिख के आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आप सारे जॉब के नोटिफिकेशन वगैरह आपको चाहिए या फिर और भी ज़्यादा मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज का, फेसबुक पेज, आपको टेलीग्राम का लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहां से जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को आप ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो फ्रेंड्स मिलूंगे आपसे फिर से किसी न्यू जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।